जीता करता कदे कदे भी जो मैं आपके बच्चे भी मेरा याद आता है पल पल मेरा याद मेरे मुंडे जाके खड़ा दो तो मेरा इंजन तो मैं वाक वाकई हो जा मैं कल कल ठोकना पर मेरे को कुछ है नहीं। जिसका जवान बेटा जाता है उसकी पीड़ा उसके माता पिता ही समझ सकते हैं। जवान बेटे को अर्थी देना ये कोई और नहीं समझ सकता। राजनीति ने तो बेटा छीन लिया, हमारा नेता से क्या लेना देना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो रैली में मूसेवाले के पिता जरूर गए थे, लेकिन किसी राजनीति मकसद से बिल्कुल नहीं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 8 महीने बीत गए। इसी बीच मूसेवाले की माँ ने सरकार समेत प्रशासन पर कई सवाल खड़ा कर दिए। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाले की मां चरण कौर अपने गांव के घर में मूसेवाले के फैंस के साथ बातचीत कर रही थी। इसी दौरान सिद्धू की मां कई बार भावुक होते भी दिखाई दी, लेकिन मां तो मां होती है। सारे तकलीफ झेलते हुए वो अपनी आंसू छिपा लेती है। एक जवान बेटे को खोने का दर्द भी तो असहनीय होता है। सानू 8 महीने हो गए, कह रहे हैं तेज पर तेज कार्रवाई करो, कोई कार्रवाई नहीं। सवेरे फैसला ले लेंगे, शाम को बदल लेंगे ने। ये बदल वर्गी सरकार है। मेरे अंदर बहुत पलपले ने भी मैं कड्डा, पर फिर भी सी हजे फिर चुप कर जाना भी कोई गल नहीं, होर देख लेने भी जे साडे बच्चे नु साफ हो जाए। सानू लोली फोक दे के नमस्कार करो, जीता करता कदे कदे भी जो मैं आपके बच्चे भी मेरा याद आता है पल पल मेरा याद मेरे मुंडे जाके खड़ा दो तो मेरा इंजन तो मैं वाक वाकई हो जा मैं कल कल ठोकना पर मेरे को कुछ है नहीं। बेड़ा कर करके तुर गए लोग, किसी ने हल तक कुछ नहीं कहा। साडी पैसा ना जिंदगी नहीं निकलती, जे कह देंगे भी 2 करोड़ ओनू देता, करोड़ ओनू देता, चल साडे तो साडे कुटी कमाई साडे कोल फिर ही है। पैसे असीं अग नहीं लाउणे, असीं खाणे नहीं पैसे, आपको बता दें कि सिद्धू की मां चरण कौर मूसेवाले को याद करते हुए अचानक गुस्से में आ गई और तभी कुछ ऐसा कहा जिससे प्रशासन और सरकार को सोचने की जरूरत है। दरअसल सिद्धू की मां ने कहा, सिद्धू की मौत को करीब 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ का अता पता नहीं है। लेकिन जब सिद्धू मूसेवाला की याद आती है तो मेरा कलेजा फट जाता है। दिल करता है कि मैं बागी होकर एक एक को ठोक दूं, लेकिन सरकार के सिस्टम के सामने लाचार हूं। सिद्धू की मां चरण कौर ने आगे कहा कि आप पार्टी की सरकार पंजाब में मौसम के बादलों जैसी बदलती रहती है। सुबह कुछ फैसला करती है तो शाम को अपने किए फैसले से मुकर जाती है। आज पंजाब में जो सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।